नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज 21 से 23 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेलाइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर छह बजे जो है वो करंट अफेयर्स वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें और कर सकते वहाँ पर साम साथ ही शाम को सात बजे पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज इक्कीस से तेईस अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंड अफेयर रिक्वेशन देखते हैं तो आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर बाईचिंग भुटिया ने कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की है तो ठीक है तो झारखंड के किस जिले में वो जो है वो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर है बाईचिंग भुटिया ने कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में इस जिले में पूर्वी सिंहभूम में उन्होंने जो है वो अपील की है लोगों से घर में रहने की तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया ने कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए झारखंड के लोगों से घरों में रहने की अपील की है उन्होंने ट्विटर के जरिए एक वीडियो जारी किया है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिला में चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं और अगला प्रश्न है आई एस रिसर्च फाउंडेशन की ओर से कोविड नाइन्टीन डिजिटल चित्रकला प्रतियोगिता में झारखंड से किसने प्रथम स्थान हासिल किया है ठीक है तो आई एस डी जी रिसर्च फाउंडेशन की ओर से कोविड नाइन्टीन ये डिजिटल चित्रकला यहाँ पर कंपटीशन डिजिटल पेंटिंग यहाँ पर कंपटीशन का, 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 आयोजन किया गया था और उसमें झारखंड के झारखंड से किसने प्रथम स्थान हासिल किया है तो ये हासिल की है सौम्या प्रकाश कौन सौम्या प्रकाश है जो कि यहाँ पर पहले स्थान हासिल की है वर्ग थ्री में तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आई रिसर्च फाउंडेशन की ओर से कोविड नाइन्टीन डिजिटल चित्रकला प्रतियोगिता में झारखंड की सौम्या प्रकाश प्रथम स्थान हासिल की है चलिए यहां पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज को तो जैसा अच्छा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आई रिसर्च फाउंडेशन की ओर से कोविड नाइन्टीन डिजिटल चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें देश भर के हजारों बच्चों ने भाग लिया था इसमें ग्रुप थ्री में रांची की सौम्या प्रकाश ने पहला स्थान हासिल किया है एवं इसी ग्रुप में रांची की उर्वशी सरकार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है तो पहला स्थान पर यहाँ पर रही है सौम्या प्रकाश और तीसरे स्थान पर रही हैं उर्वशी सरकार ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा सोम्या प्रकाश पहले स्थान पर रही है वर्ग ग्रुप जो थ्री था उसमें यहाँ पर ठीक है चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पर सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग की राशि के इस्तेमाल कोरोना से जंग लड़ने के लिए पंचायत फंड का इस्तेमाल करेगी यह राशि अधिकतम कितनी होगी ठीक है तो राज्य सरकार यहाँ पर कोरोना से लड़ने के लिए पंचायत फंड का इस्तेमाल करेगी यह राशि अधिकतम कितनी होगी तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा पांच लाख रुपए तक यहाँ पर खर्च किए जाएंगे पंचायत फंड से कितने पांच लाख रुपये पंचायत फंड से खर्च किया जाएगा कोरोना से लड़ने के लिए पंचायत फंड का इस्तेमाल किया जाएगा पांच लाख रुपये तक तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज को तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राज्य की ग्राम पंचायतों में जमा फंड का उपयोग अब कोरोना जंग में भी हो सकेगा इसके लिए पंचायती राज निदेशालय ने गाइडलाइन जारी किया है जिसमें राज्य के तैतालीस सौ सड़सठ फोर थ्री सिक्स सेवन पंचायतों को यहाँ पर जो है वो चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश से राशि का उपयोग पाँच लाख रुपये तक कर सकती है तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा पांच लाख रुपए तक राज्य सरकार यहां पर पंचायत फंड का इस्तेमाल कर सकती है कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना से जंग लड़ने के लिए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है हाल ही में विनिता टोपो का निधन हो गया वह एक थी हाल ही में विनिता टोपो का निधन हो गया वह एक थी तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा वह एक एथलीट थी झारखंड की ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा विनीता टोपो जो थी वो क्या थी एथलीट थी तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा चलिए इनके बारे में पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के एथलीट और झारखंड राज्य स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी में कार्यरत विनीता टोपो का हाल ही में निधन हो गया है विनीता जो है वो चार और आठ मीटर की दौड़ में अपने समय की अच्छी धाविका थी तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा विनीता टोपो का हाल ही में निधन हो गया है और वह एक एथलीट थी ठीक है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहां पर झारखंड पुलिस ने राज्य में भूखे लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है यह नंबर कितना है ठीक है तो झारखंड पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है भूखे लोग अपना भोजन मंगा सकते हैं इस इस वजह से यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया झारखंड पुलिस के द्वारा और यह नंबर कितना है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा तो जो पहले पुलिस की हेल्पलाइन नंबर हुआ करती थी किसी भी दुर्घटना या आवश्यक पड़ने पर कॉल किया जाता था हंड्रेड नंबर पर डायल किया जाता था तो वही नंबर अब यहाँ पर पुलिस जो है वो जारी कर चुकी है भूखे लोगों को मदद पहुँचाने के लिए भोजन पहुँचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की है झारखंड पुलिस ने हंड्रेड नंबर डायल यहाँ पर जो है हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है झारखंड पुलिस के द्वारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा झारखंड पुलिस द्वारा भूखे लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया वो कितना है हंड्रेड ही रहा है यहां पर ठीक है चलिए यहां पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राज्य में अब तक किसी अपराध की सूचना देने के लिए ही डायल हंड्रेड का उपयोग होता था लेकिन झारखंड में अब कोई भी जरूरतमंद भोजन के लिए सौ नंबर डायल कर भोजन प्राप्त कर सकते हैं ज्ञात हो कि राज्य के सभी पुलिस थानों में सामुदायिक किचन भी चल रही है तो खाना जो बन रहा है अभी पुलिस जो है यहाँ पर पहुँचाने का भी काम करेगी और उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है वो हंड्रेड नंबर डाय यहाँ पर जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कितने माह का राशन दिए जाने की घोषणा की गई है ठीक है राज्य के जितने सारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं तो वहां पर बच्चों को कितने माह का राशन दिया जाएगा तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा एक माह का दिया जाएगा कितने माह का दिया तो जाएगा एक माह का राशन दिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राज्य के छह महीने से तीन साल के बच्चों को और एवं उनकी माताओं और गर्भवती महिलाओं को एक महीने का राशन दिया जाएगा लॉकडाउन को देखते हुए महिला बाल विकास व सामाजिक सामाजिक सुरक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है तो एक माह का अतिरिक्त यहाँ पर राशन दिया जाएगा बच्चों को और उनकी माताओं को और जो गर्भवती महिला हैं उनको तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर आंसर ऑफ देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमसे प्रश्न पूछा गया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा झारखंड के किस किसान को न्यू इनिशिएटिव कृषक पुरस्कार दिया गया है तो आपसे प्रश्न पूछा गया था और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे और इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा बैजनाथ महतो को किनको बैजनाथ महतो को तो यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा झारखंड के बैजनाथ महतो को यहाँ पर जो है वो न्यू इनिशिएटिव कृषक पुरस्कार दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भारत कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा और मांझी के किसान बैजनाथ महतो को न्यू इनिशिएटिव कृषक पुरस्कार दिया गया है देश भर के उनचालीस किसानों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिसमें एकमात्र झारखंड के बैजनाथ महतो हैं यह पुरस्कार ऑफ सीजन खेती के लिए दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बैजनाथ महतो को यह पुरस्कार दिया गया है चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है जसिंथा क्रिकेटा की कौन सी पुस्तक का अनुवाद कर फ्रेंच में प्रकाशित किया गया है तो जसिंथा क्रिकेटा की कौन सी पुस्तक है जिसका अनुवाद कर फ्रेंच में प्रकाशित किया गया है तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके जड़ों की जमीन अपना गाँव अंगोर या फिर इनमें से कोई नहीं तो आपको कमेंट करके बताना है कि, कि किस पुस्तक का अनुवाद कर फ्रेंच में प्रकाशित किया गया है कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में करने की तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें